नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीख कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे कि दीवानी न्यायालय में यानी सिविल कोर्ट में संपत्ति जो प्रॉपर्टी होती है उससे संबंधित स्टे लेने हेतु से संबंधित जो है विधिक प्रावधान क्या है, यानी किन आधारों पर किसी संपत्ति से संबंधित स्टे लिया जा सकता है। तो इसके लिए मित्रों देखेंगे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 38 को, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि सौसत व्यादेश कब अनुदत्त किया जा सकता है, यानी परमानेंट इंजंक्शन यानी अस्थाई निषेधाज्ञा यानी अस्थाई स्टे कब दिया जा सकता है संपत्ति से संबंधित विवाद में। तो इसका उपखंड 3 है कि जबकि प्रतिवादी यानी जो विपक्षी है वादी के संपत्ति के अधिकार, यानी वादी उस पर अधिकार रखता है, कोई भी पक्षकार अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे, यानी कोई व्यक्ति अपने कब्जे में है, शांतिपूर्वक रह रहा है और दूसरा पक्ष जो है उस कब्जे में दखल दे रहा है या उसके शांति में या उसके उपभोग में, या आक्रमण करने की धमकी दे या धमकी भी दे कि ये खाली कर दो मकान, इस पर हमारा है, हमारा कब्जा है, इस तरीके से अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तब न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में सौसत व्यादेश दे सकेगा, यानी परमानेंट अस्थाई निषेधाज्ञा जो है वो जारी करेगा। परमानेंट अस्थाई कि विपक्षी जो है सदैव के लिए वादी के उपभोग या जो उसका राइट है उस पर आक्रमण न करें। जहाँ की प्रतिवादी वादी के लिए उस संपत्ति का न्यासी हो, जहाँ की उस वास्तविक नुकसान का जो उस आक्रमण द्वारा कारित है या जिसका उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभव है अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान ना हो, यानी इस तरीके है कि कितना उसको नुकसान होगा, जहाँ की वह आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथायोग अनुतोष ना देगा, जहाँ की व्यादेश न्यायिक कार्यों के बाहुल निवारित करने के लिए आवश्यक हो, वहाँ पर कोर्ट जो है स्टे आर्डर पास करेगा। अब ये किन दशाओं में नहीं दिया जा सकता है इसका प्रावधान धारा 41 में है, यानी विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 की धारा 41 में, कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसी न्यायिक कार्रवाई के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो ऐसे बाद के जिसमें व्यादेश सिप्त है संचित किए जाने के समय लंबित हो, किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिसमें व्यादेश इच्छित है किसी कार्रवाई को संचित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करना, यानी कोई इस तरीके का केस दाखिल करता है कि इसको रोक दिया जाए कि वो मुकदमाना दाखिल कर सके, किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को, यानी कोई व्यक्ति कहता है कि तुम अप्लीकेशन वहाँ ना लगाओ, किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्रवाई संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने को, कोई कहता है FIR ना करो, कंप्लेंट ना दाखिल करो, इस तरीके से रोकने हैं तो न्यायालय में आप स्टे है तो आवेदन नहीं कर सकते कि न्यायालय ऐसा कोई आदेश पारित करे कि किसी व्यक्ति को रोक दिया जाए कि वो कोई कार्रवाई ही ना करे, किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा ही ना करे, किसी ऐसे कार्य की न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने की जिसके संबंध में या एकतुक तौर पर स्पष्ट ना हो कि वह न्यूसेंस हो जाएगा, ऐसा कोई स्टे आर्डर नहीं दिया जाएगा, किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को जिसमें वादी उपमत हो गया हो, जबकि सामान्यता प्रभावकारी अंतोष कार्रवाई के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता है सिवाय न्यास भंग की दशा में, जबकि उससे किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है, यानी मान लिया कोई कार्य पूरा किया जा रहा हो, आपको स्टे मांग रहा है कि इसको रोक दिया जाए, या विलंब होता है कि या उससे संबंधित सुसंगत संविदा के सतत व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषयवस्तु होने के कारण सेवाओं में हस्तक्षेप होता हो, जबकि वादी या उसके अभिकर्ताओं का आचरण ऐसा रहा हो जो उसे न्यायालय की मदद पाने के लिए निरंकित कर दे, इस तरीके से स्टे नहीं मिलेगा, जबकि वादी का उस मामले में कोई व्यक्तिगत हित ना हो तब भी कोर्ट स्टे नहीं देगी। तो इस प्रकार आज हमने समझा
कि व्यादेश यानी स्टे आर्डर जो है वो किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है संपत्ति से संबंधित और किन परिस्थितियों में नहीं दिया जा सकता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय दिया आपने उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।